वेलकम दोस्तों, आप लोगों को आज मैं बताऊंगा कि बादाम का झाड़ ट्री कैसा लगाना। आज दोस्तों आप लोगों को किस तरीके से लगाना है वो तरीका बताऊंगा। तो ये बड़ा सॉफ्ट रहता है, बड़ा नाजुक रहता है। इसको अगर हम ज़मीन में लगाएंगे तो वो सड़ जाएगा, और इसमें पानी में भी भिगाना है तो इसकी लिमिट के हिसाब से भिगाना है। तो दोस्तों ये हम 3-4 दिन हो गया, पहले तो 24 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए इसको पानी में रख देना है। फिर मैं आप लोगों को ये नहीं बताया आपको किस तरीके से शुरू से काम करना है, ये पहली मरतबा मैं कर रहा हूँ, तो इसका क्या रिज़ल्ट आता क्या नहीं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा मैं। ये देखिए काफ़ी फूल गया है, इंशाल्लाह ज़रूर इसमें 100% रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो इसको ये टिश्यू पेपर है, और इसको कहाँ रखना कैसा रखना मैं इसका ये ग्रोथ होना जैसे चालू होगा मैं सारी चीज़ें आपको बताते रहूँगा। तो अब तो इतना ही बताया आप लोगों को, ये 3-4 दिन हो गया मैं पानी में भिगाया, पानी में कितना टाइम भिगाना और कैसा पानी कौन सा पानी लेना और कब कब चेंज करना ये सारी चीज़, और कितने टाइम के लिए भिगाना, फिर इसको कहाँ पर रखना, टिश्यू पेपर में क्यों इसको रखना, दूसरे कपड़े में क्यों नहीं रख सकते, सारी चीज़ें मैं आइंदा वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। इजाज़त दीजिए।